अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, बुरहान खान बीके लाइव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सॉरी थोड़ा डिले हो गया क्योंकि वी वर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्टी विद द इंटरनेट, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ अपने मेहमान से भी और तमाम जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ। तो होपफुली सदात भाई विल मेक दिस पब्लिक इवेंट डेफिनेटली। आज के जो सेशन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है मेरे लिए खास तौर पे, क्योंकि मैं आपको जल के बताता चलूंगा। हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और ये मैं कोई मुहावरतन बात नहीं बोल रहा, वो ऐसा ही है कि पिछले 40 साल से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, स्टेज से वो जुड़े हुए हैं, और आज हमने उनसे बातचीत तो करनी है उनके प्रोफेशन के बारे में, उनसे हमने बहुत सारी चीजें सीखनी है, क्योंकि वो एक अच्छे फनकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता करे। ऑलरेडी देर हो चुकी है काफी सारी, तो मैं बजाय इसको कि कोई तमहीद बांधूं, हमारे जो मेहमान है वो पिछले 40 साल से ज्यादा पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, उसके साथ काम कर रहे हैं। स्टेज पे उन्होंने अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तानी टीवी ड्रामा में आज तक किसी आदमी को इतना बड़ा एजाज हासिल नहीं है जो वो इंजॉय कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ मौजूद है, और एक सच्चे पाकिस्तानी और एक सच्चे मुसलमान है। मैं फर्दर अडू दावत दूंगा, वन एंड ओनली, हम बाद में बात करते चलेंगे, वन एंड ओनली फिरदौस जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई। वालेकुम अस्सलाम तमाम, आपको और आपके देखने वालों को सबको मेरा सलाम हो। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपनी जुमान में रखे, जीते रहे, खुश रहे। फिरदौस भाई कैसे हैं आप? मुझे पता है हम थोड़ी डिफिकल्टी हुई, कैसे हैं आप? मैं बस वैसा ही हूँ जैसे अल्लाह ने पैदा किया था, कोई तब्दीली नहीं आई। वो कहते ना डेरा इस्माइल खान में और फिरदौस जमाल में कोई तब्दीली नहीं है क्योंकि दोनों ही खान है माशाल्लाह। ये अल्लाह की खास मेहरबानी है कि आज से 42 साल पहले मेरा ख्याल है मैंने आपका पहला प्रोग्राम देखा था वारिस। आप आज भी वैसे ही हैं बल्कि उससे भी अच्छे, इस सेहत का क्या है? वारिस को किए हुए 79 में शुरू हुआ था, 80 में 40 साल हो गए। 40 साल हो गए जी। उस वक्त से सर वाच कर रहा हूँ आप। आप वाहिद अदाकार हैं जिसने के वो जो खंजर गाड़ के यानी के इम्तिहान देने की बात आपने की थी पहली दफा, दैट वाज वेरी बोल्ड स्टेप, कि एक जो फ्यूडलिज्म है उसका वो कैसे होता है, और जैसे आपने वो किया, हम आगे चल के बात करते रहेंगे। आप बताइए कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहा अनवर का? देखिए जी, अनवर से पहले भी मैंने बहुत सारे किरदार किए थे, बल्कि पिशावर से नहीं बल्कि इस्लाम पिंडी टीवी उस वक्त होता था, तो मैंने पिंडी, ये मैं 73-74 की बात बता रहा हूँ, 71 में मैं फर्स्ट ईयर में था सेमी कॉलेज में, तो मैंने सेकेंड या थर्ड ईयर में मैंने शुरू किया था रेडियो पे। 73 में मैंने ऑडिशन दिया था, इसी तरह मैं टीवी के लिए ऑडिशन दिया, तो पिशावर टीवी तो होता नहीं था, पिंडी टीवी से पिशावर के लिए प्रोग्राम होते थे और हज़ारा साइट के लोगों के लिए। तो हम पिशावर में उनका एक ऑफिस होता था, तो वहाँ से हमें वैगन में भर के तो ये चकलाला ले जाते थे, वहाँ पे स्टूडियो होता था छोटा सा, तो उसमें हम रिकॉर्डिंग करते थे अपने जो भी प्रोग्राम्स होते ड्रामास वगैरह की। तो बस वो छोटे मोटे रोल ही मुझे देते थे, फिर एक दिन नए अदाकारों का वो नए गुलकारों का कोई ऑडिशन था, मैंने कहा यार ये मुझे छोटे मोटे रोल देते हैं, कोई लिफ्ट तो मुझे कराते नहीं है, तो बेहतर ये है कि मैं गुलकारी शुरू कर दूँ। तो नए गुलकारों के लिए ऑडिशन हो रहा था, मैंने उसको ऑडिशन भी दे दिया। वो मुनव्वर तौफीक हमारी प्रोड्यूसर उस वक्त थी, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने प्रोग्राम भी दे दिया,
अच्छा वो वहां उन दिनों में ये होता था कि पहले मतलब है वो एक ही बार में रिकॉर्डिंग हो जाती थी, कोई एडिटिंग वगैरह का सिलसिला तो था नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। तो वो जनाब मुझे खड़ा किए जब स्टूल, वैसे तो मैं रिहर्सल में बड़ा अच्छा गाता रहा, चूंकि वो शोर ज्यादा होता ना, बैंड बैंड बज रहा होता है तो आवाज सुनाई नहीं देती। तो वो जब रिकॉर्डिंग के लिए आया तो बस वो मेरा रंग हो गया, मेरा काम तो था नहीं, एक्चुअली तो मेरा काम अदाकारी था, मैं तो किसी तरह लाइमलाइट में आना था कि मैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर लूं। खैर वो बड़ी मुश्किलों से वो गाना जिस तरह हुआ वो चला, लोगों ने काफी थू थू की और मेरे रिश्तेदारों ने सबने कहा कतल्ला उड़ो भाई दा जमुंग जुए खुडम शो, यानी ये तो डूम हो गया है, कमजोर हो गया है, इसने गाना शुरू। वो मेरे सारे वो खानदान वाले कह क्या, तुम तो कह रहे थे मैं एक्टर बन रहा हूँ, दा दिस होकर ये तुम क्या मतलब, तुम तो गाने वाले बन गए हो। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ आना था टीवी पे, अपने आप को दिखाना था लोगों को, क्योंकि लोग वहां ताने देते थे, हम इसको पेगोर कहते हैं। तो मेरे जितने मेरे दोस्त थे ना, मेरे क्लास फेलोज, वो जितने भी थे वहां पे मोहल्ले में, सब गुजरते, मड़ा कहता है तुम खाम खा बाल बना विखते, जो हर वक्त बाल बाल बना के फिरते हो, अपने आप को एक्टर समझो, टीवी पे तो आते नहीं। तो मैंने कहा मैंने सिर्फ ये उनको दिखाने के लिए कि मैं टीवी पे आ सकता हूँ, मैंने अब वो ड्रामे में तो काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो गाना ही गा लो। लेकिन बहरहाल वो काफी थू थू हुई, उसके बाद मैंने तौबा की गाने से, और फिर मैंने मनोहर भाभी से कहा कि जी मैं एक्टर हूँ बड़ा अच्छा, आप मुझे ड्रामे में लेकर आए। खैर वो फिर पिंडी टीवी से ही मेरा पहला ड्रामा पश्तो का हुआ था, तो वो मैंने किया था। तो ये हिंद को कथा गालिबन, हाँ बदनामी दे टोए, तो बदनामी दे टोए मेरा पहला ड्रामा था, और शुक्र है उसके बाद मैं किसी टोए में नहीं गिरा। तो वो बदनामी के टोए जो है वो मेरी नेकनामी बन गई। नेकनामी के टोए में अल्लाह ने मुझे डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस तब से चल रहे हैं। वारिस जो है ये मैंने 79 में, जब मैं 77 में पिशावर से मैं माइग्रेट करके लाहौर आया, तो यहाँ पे काफी मैंने ठोकरें खाई, काफी मुसीबतें उठाई। उससे पहले एक मैं एक मोहब्बत सौ अफसाने एक सीरीज चलती थी अशफाक साहब की लिखी हुई, तो वो MNH ने फिर मुझे उसमें कास्ट किया, तो एक प्ले करके फिर मैं वापस चला गया। तो वो भी अजीब दुर्वेश से बंदे थे, मोहम्मद निसार हुसैन MNH, वो मुझे कहने लगे ओ काका तू इत्थे रह। अच्छा वो जेलम के थे, तो ये जेलम के जो लोग होते हैं ये बड़े ही मैं समझता हूँ कि बड़े सूफी किस्म के लोग होते हैं। एक तो ये चूंकि वहां तिल्ला जोगियां है ना एक, तो वहां पे बड़े बड़े लोगों ने वहां पे जोग लिया है, और चांकिए तक वहां पे बैठता रहा है, और बड़े बड़े साधु संत जो हैं, और रांझे ने भी वहीं से टिल्ला जोगियों से वहां से जो था वहां से जोग लिया था। तो ये जो ये जोगी टाइप के लोग होते, तो मुझे कहने लगा वो निसार साहब अल्लाह, कहने लगे आप पिशावर वापस जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ, वो एक मोहब्बत सौ अफसाने का। कहने लगे बेटा तुम यहीं ठहर जाओ लाहौर में। मैंने कहा नहीं नहीं जी, वहां पे मैं रेडियो कर रहा हूँ, टीवी कर रहा हूँ, मेरे मेरा घर वहां पे, अजीज रिश्तेदार है, तो मैं कैसे पिशावर छोड़ सकता हूँ। तो वो हंस पड़े, कहते अच्छा चलो ठीक है काका, जे तू जाना चाहना चला जा। खैर मैं चला गया, और फिर उसके बाद फिर थोड़े दिनों बाद उस दुर्वेश की ऐसी गुफ्त थी कि मैं वहां पे टीवी रेडियो दोनों पे बैन हो गया। और फिर मुझे मैंने फोन किया निसार साहब को लाहौर, मैंने कहा जी मुझे तो यहाँ बैन कर दिया इन्होंने। कहने लगे कोई काका तेनू क्या भी सी तू आ जाए थे, तो तेरी वो जगह नहीं। तो बस वो दाता साहब दाता की नगरी में फिर मैं आया, और फिर दाता साहब के सदके में अल्लाह तबारक ताला ने मुझे फिर वो इज्जतें दी। फिर यानी मैं 77 में आया था, तो एक 2 साल तो स्ट्रगल के गुजरे, छोटे मोटे प्लेस करता रहा। फिर 79 के एंड मतलब सितंबर 79 में फिर वारिस शुरू हुआ, और 80 मार्च 80 में वो ख़त्म हुआ। तो जब वो बस फिर वारिस चला है, तो अल्लाह ने फिर मेहरबानी की और दाता की नगरी नगरी में फिर रंग लग गए, तो बस अब वो तक अल्हम्दुलिल्लाह लगे। फिरदौस भाई ये देखें कि वारिस एक ऐसा ड्रामा था, एक तो बड़ा बोल्ड लिखा अमजद इस्लाम अमजद साहब ने, दूसरे नंबर पर अदाकार बड़े अच्छे थे, और यानी कि फ्यूडलिज्म के खिलाफ वो
लगा। अच्छा, मैं अब वापस हम पिशावर चलते हैं। तो आपकी पैदाइश तो पिशावर की है। जी, मेरी पिशावर रामदास बाजार कहलाता है, एक गढ़ी मीरा मद शाह, ये कोहाट रोड पे है। यानी एक आप इसको कह लें कि पिशावर का ये मशरकी हिस्सा बनता है गालिबन कोहाट पे, कोहाट को जो सड़क जाती है ना, तो जी 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 पिशावर का एंड उस जमाने में जो शहर था, छोटा सा शहर होता था, तो वो वॉल सिटी के अंदर ही होता था। तो जी ये कोहाट की तरफ जो कोहाटी दरवाजा है ना, या रामदास बाजार या सरचा गेट एक है, तो इस तरफ हमारा मोती मोहल्ला या रामदास बाजार, अंदर अंदरून शहर की मेरी पैदाइश है पिशावर की, तो रामदास बाजार की गढ़ी मीरा मद शाह उसको कहते हैं। तो उसके बाद मैंने मेरा दाद का जो था वो रामदास बाजार का था। रामदास बाजार से बाहर जो है ना, भाना माड़ी एक जगह कहलाती, वो मेरा नान का था। तो अच्छा बस अच्छा थोड़ा इधर ही सारा मेरी सारी इब्तदाई जो तालीम है, एजुकेशन है, वो वहीं पे भानामाड़ी स्कूल में, फिर इस्लामी हाई स्कूल नंबर 3 कहलाता है किसाखानी में, जहाँ पे ये 3 सनमा हैं उनके साथ ही इस्लामी हाई स्कूल नंबर 3 है। तो मैं जिस क्लास में मैट्रिक में मैं था, तो मैं देखा करता था, तो सारे बोर्ड मुझे नजर आते थे फिल्म सनमा के, तो उस पे तस्वीरें उन पे एक्टरों की बनी होती थी। तो मैं बड़ा कहता था कि यार एक दिन इन बोर्डों पर मेरी तस्वीर भी बनेगी। तो वो सारे मेरे जो साथी मेरे क्लास फेलोज थे, वो हंसते थे कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तो बहुत बड़े एक्टर है, तुम कहाँ, तुम्हारी तस्वीर यहाँ कैसे। मैंने कहा नहीं, एक दिन इंशाल्लाह यहाँ बनेगी, और फिर अल्लाह की मेहरबानी से वो तस्वीर भी बनी। और बस इसी तरह शुरू हुई। फिर मैं कॉलेज में गया, तो फिर जब मैं कॉलेज में था तो मैंने ऑडिशन दिया, थर्ड ईयर में था मैं इस्लामिया कॉलेज में, पहले इस्लामिया हाई स्कूल फिर इस्लामिया कॉलेज में। तो बस वहां से फिर बस होता रहा, स्ट्रगल करते रहे, फिर पिशावर TV 75 में बना। तो जी पिशावर टीवी का पहला ड्रामा ही मेरा था वो, हाँ, पिशावर टीवी का पहला ड्रामा था बदनामी दे तो एक पत्नी पत्नी नहीं, लाडले, बिल्कुल लाडले, लाडले ड्रामा था। तो एक हमारे दिलावर नदीम है, आजकल अमेरिका में होते हैं, गालिबन न्यूयॉर्क में है शायद, तो वो और मैं उसमें थे, वो भी पिशावर। तो वो बस इस तरह से पिशावर टीवी का आगाज हुआ 75 से। तो फिर मैंने पिशावर टीवी पे ही था, तो फिर मैंने एक महोत्सव अफसाने के लिए मुझे निसार साहब ने बुलाया, उन्होंने कहीं मेरा पश्तो ड्रामा देख लिया था, तो फिर मुझे उन्होंने फोन किया, उसने कहा मैं तुम्हें फोन करूंगा, तो कास्ट करूंगा। तो उन्होंने फिर किया, तो जब मैंने वो किया माहे के नाम उसका नाम था उस ड्रामे माइक का, ना। जी हाँ, एक मबसा अफसाने में महनाज रफी मेरे साथ थी जी जी उसमें। जी तो वो फिर मैंने किया, तो फिर मेरे निसार साहब ने कहा कि काका तू उधर की कर रहे, इधर ही रह जा। मैं कहा नहीं जी मैं जाऊंगा। फिर वो एपिसोड है कि वहां सर, पे फिर मैं बैन किया गया, फिर मैं लाहौर आया। बस इस तरह आप से। अच्छा, आपकी फैमिली क्या क्या कारोबार वगैरह, वालिद मोहतरम, बहन भाई कितने हैं? हम जी माशाल्लाह कोई 1 दर्जन बनते हैं, छह माशाल्लाह हम भाई हैं, एक अम्मी से बड़ी वाली एमरजेंसी की तरफ से, तो और 3 बहनें, 9 माशाल्लाह उसके और 2 मेरे बहन भाई, 2 बहनें और 1 भाई मेरी दूसरी छोटी अम्मी से। वाले साहब ने 2 शादियां फरमाई थी, शादियों के बड़े शौकीन थे, पठान तो होते ही हैं मेरे वालिद साहब का भी यही किस्सा है, मेरा तो बस वैसे ही भी होता है। आप भी खा रहे ना बुरहान खान और फिरदौस खान। अच्छा मैं हमेशा आपको बताऊं, मेरा जो पैदाइशी नाम है वो फिरदौस खान है। अच्छा तो माशाल्लाह हाँ, वो मेरे जब प्राइमरी में मेरा, यानी पहली क्लास में, पता नहीं वो कच्ची वो पहली होती थी ना उस जमाने में, तो वो मेरे मामू ने मेरे भानामाड़ी स्कूल में जब मेरा एडमिशन कर रहे थे। अच्छा, वो उतने बड़े प्रोग्रेसिव उस जमाने में, ये जो रशियन जो है ना कम्युनिस्ट वगैरह, जी जी ये जी जो प्रोलतारी जी थे, जी वो जी बड़ा बोर्जुआ सी, प्रोलेटेरियन जी प्रोलेटेरियंस वगैरह जो है ना, जी और जी ये तो बुर्जुआ वगैरह, और बुर्जुआ और प्रोलेटेरियन का जो एक टसल थी, तो वो वो यही था। अच्छा खैर हाँ जी, तो वो मेरे मामू उस, तो वो प्रोलतारी थे, प्रोलेटेरियन। तो वो फिर वो मुझे ले गए खास एडमिशन के लिए, कॉमरेड, कॉमरेड,
वाला ने नसीब करे फौत हो चुके हैं, तो वो फिर मुझे ले गए मेरा एडमिशन। तो मुझे हेडमास्टर ने पूछा उससे कि इसका नाम क्या है, मैंने कहा जी फिरदौस खान। तो ये लोग खानों के तो खिलाफ थे, खान कहते थे मतलब फ्यूडल को, तो कहते हमारा खान मान सीधी प्रेदा हनी मान प्रेदा, कहते जी सर फिरदौस। यानी तो मेरा खान जो है ना, मेरे मामू ने मेरा खान जो है वहां से कटवा दिया, मुझे फिरदौस कर दिया सिर्फ। अब वो इसीलिए बाद में वो जब मेरा नाम सर्टिफिकेट पे सिर्फ फिरदौस है, तो वो फिरदौस एक्ट्रेस भी आ गई थी, तो वो लोग समझते थे ये लड़की है। वो मैं कहता था भाई मैं फिरदौस खान हूँ, कहता यार वो सर्टिफिकेट में तो सिर्फ फिरदौस है, खान किधर है? तो मैं कहा खान मेरे मामू ने कटवा दिया, मुझे खान से बिल्कुल बेखान कर दिया उसने, जैसे जान से बेजान हो जाता है ना, तो मैं खान से बेखान हो गया था। तो वो बेखान जो है वो सिर्फ, फिर मैंने मुझे किसी जब मेरा मैं जब एक्टिंग की तरफ आया तो मेरे एक दोस्त थे रजीव करे सलीम सियाल, तो उसने कहा यार ये सिर्फ फिरदौस बुरा लगता है, वो वैसे फिरदौस एक्ट्रेस भी है तो तुम कुछ और कर लो। मैंने कहा क्या करूं, कहते मेरा नाम सलीम सियाल है तुम फिरदौस जमाल कर लो। मैंने कहा चलो फिरदौस जमाल हो गया, बस वहां से फिरदौस जमाल हुआ, और फिर वो अल्लाह ने उस जमाल को फिर जमाल भी अता किया, और अलहमदुल्ला सारा कुछ फिर अता हुआ। तो ये नाम से बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे देखने वालों में दिल्ली से एक साहब ने पूछा, जो कि मेरा सवाल उन्होंने पूछ लिया, क्या पिशावर में कोई पानी में ऐसी चीज है? उन्होंने ये लिखा है कि जी दिलीप कुमार से मुतासिर थे आप, या पिशावर में राज कपूर साहब और उनकी फैमिली सारी पिशावर, क्या इसके पानी में कोई चीज है ऐसी या क्या है? बस पता नहीं क्या बात है। एक तो ये है कि वो पेशावर जो है ना, पेशावर से या पुष्पापुरा इसका पुराना नाम था, और ये चूंकि दरवाजा था बरेसगीर का, द गेट वे ऑफ इंडिया इसको हम आप कह लें कि सेंट्रल एशिया से जितने भी या यूरोप से लोग आते थे, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, और जितने भी बाबर और हुमायूं, जितने भी तैमूर लंग और चंगेज खान, बस का जो है चंगेज खान वगैरह तो खैर उधर रह गए थे, लेकिन वो फिर इधर बाकी तैमूर वगैरह आते रहे जो भी मुगल थे। तो जितने भी लोग आए उसी पिशावर के दर खैबर से होते हुए वो आए, तो मैं समझता हूँ बोले वो सकाफत का एक मरकज था, तिजारत का, तो मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस वहां पे इकट्ठी होती है। तो मुमकिन है वहां पे, चूंकि सिकंदर आजम भी अलेक्जेंडर द ग्रेट भी दर खैबर से, पेशावर से ही वो आया था इंडिया में, तो उस जमाने में उसके साथ अरिस्टोटल भी था और सिकंदर आजम के साथ, तो उससे पहले यूरिपिडीज, एस्कलीस, सोफोक्लियस, ये यूनान में पैदा हो चुके थे। और ड्रामा जो है, अरस्तू खुद भी ड्रामा निगार था, अदाकार भी था, अरिस्टोटल ने भी ड्रामे लिखे, तो प्लेटो वगैरह के साथ चूंकि वो रहा। मैं ये समझता हूं कि वो कोई जो असरात है या उनमें से कोई जो ग्रीकी हैं जो उनमें मुमकिन है, चूंकि जब बादशाह चलता है तो साथ पूरा पैराफर्नेलिया चलता है, उसकी जो दिल लगी का सामान भी होता है, तो उसमें आर्टिस्ट भी कोई होंगे, उसमें गाने वाले भी होंगे, तो मुमकिन है कुछ लोग, कुछ आर्टिस्ट पेशावर में रह गए हों, तो जिनकी अरवाह जो है वो मुख्तलिफ लोगों में हलूल कर जाती हैं। मुझ में भी शायद थेस्पस की या किसी की रूह जो है वो हलूल कर गई, या दिलीप साहब में भी, तो हम में इसी तरह और मतलब हमारे बहुत सारे अदाकार पेशावर से, बड़े अच्छे अच्छे एक्ट्रेस जो हैं वो पैदा हुए, एक्ट्रेसेस यानी मधुबाला, इवन मधुबाला पीरपीआई की, पेशावर के पास ये गांव है पीरपीआई, वहां की थी मधुबाला। तो आप देखें उन्होंने क्या मुगले आजम बनी और क्या फिल्म बनी उसमें फिर, और मधुबाला की तो खैर और भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं। इसी तरह दिलीप साहब जो हैं, मैं महल समझता हूँ महल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। दिलीप साहब ने जो मतलब बरेसगीर में, मैं समझता हूँ या एशिया में, उन्होंने मॉडर्न स्कूल ऑफ एक्टिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। पहले थिएट्रिकल होता था, तो ये रियलिस्टिक स्टाइलाइज्ड रियलिज्म जिसको हम कहते हैं, यानी एक स्टाइल के साथ रियलिज्म को, क्योंकि वो थिएट्रिकल स्टाइल जो पहले था कि हस्ती है नाचीज ठहरेगी फना के सामने, क्षमा की लौ सर उठाएगी हवा के सामने, घास का तिनका सजा दे और किसे तूफान को, तुमने देखा ही नहीं अब तक दिलेर इंसान को,
तो ये एक्टिंग होती थी। तो ये थी। फिर दिलीप साहब ने इसको के ये फूल नहीं दुर्जन है, ये फूल नहीं नहीं ये जख्म नहीं फूल है दुर्जन, और फूलों का मुरझाना बहार की रुसवाई है। और यहाँ रे माँ ये क्या है, तू क्या कहती रहती है, इस तरह की बातें ना कर, ये कर वो कर, वो ले आए बिल्कुल रियलिज्म, रियलिस्टिक स्टाइलाइज्ड, लेकिन स्टाइलाइज्ड रियलिज्म में तो गालियां भी आ जाती हैं, बुरी बुरी बातें भी आ जाती हैं, लेकिन दिलीप साहब ने उसे ब्यूटीफाई किया, उसको खूबसूरती बख्शी, उस रियलिस्टिक को ब्यूटीफाई किया। तो जैसे ली स्टाइनबर्ग जिसे के मेथड एक्टिंग कहते हैं कि मेथड एक्टिंग, जी जी लास्ट स्टानिस्लावस्की भी मेथड एक्टिंग, उसने तो शुरू किया ना मॉस्को थिएटर से, मगर फिल्म में जो ली स्टाइनबर्ग जी, माय लाइफ एंड आर्ट और प्रिपेयर एन एक्टर उनकी, और क्रिएटिंग अ रोल, ये तीन बुक्स उन्होंने फिर लिखी, स्टानिस्लावस्की या स्टानिस्लावस्की या लास्की हाँ जी। तो वो हमारा एक्चुअली वही स्कूल है, दिलीप साहब का भी वही, और कुछ मुझे भी अल्लाह ने ये शायद उस समय, मैं वही कहता हूँ ना, हो सकता है उन पुराने ग्रीक की कुछ लोगों के वहां पे, तो इसलिए पेशावर में। और दूसरा एक और मेरा भी कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे लजीज मछली है वो पानी के मुखालिफ समत में तैरती है, और उसका नाम है ट्राउट जी, ट्राउट जिसको कहते हैं। तो हम उस इलाके से, एक तो ये कि मीठे पानी के जो चश्मे हैं वो संगलाख पहाड़ों से ही निकलते हैं, और जो सबसे लजीज मछली है वो पानी के मुखालिफ समत तैरती है, और वो हमारे इलाके में ही होती है। तो जाहिर है वो पथरीला इलाका जो है जिससे मीठे पानी के चश्मे निकलते हैं और जहाँ ट्राउट होती है, मुझे भी आप ट्राउट ही समझ लें, क्योंकि मैं भी वक्त की धारे के खिलाफ ही चलता रहा हूँ, और शायद यही मेरी फितरत है, यही दिलीप साहब की, ये जी हम पठानों की शायद यही फितरत है। शाहरुख खान इवन उसकी एंसेस्ट्री भी वहीं से मिलती है ना, इसी जी, वो जी वहीं पे अभी भी उसके जो चचा वगैरह तो खैर फौत हो गए हैं, बाकी रिश्तेदार वहीं पे हैं। वहां पेशावर में एक बांसों वाला बाजार है, ये बांस नहीं होते जी, तो जी, जी, जी इनका वहां पे घर है जी, बांसों वाला बाजार में पेशावर में अभी भी इनका घर है, मैंने रिश्तेदार अभी भी इसके वहां पे है शाहरुख। मतलब इस तरह जयंत ले लें, जयंत जिक्रिया खान, जहाँ भानामाड़ी में हम मेरा ब्रॉटअप सारा हुआ है, रामदास बाजार भानामाड़ी एक ही इलाके में, तो वहाँ जिक्रिया खान उनका असल नाम था, जयंत के नाम से, जिनके बेटे थे ये कादिर खान और अमजद खान जी, ये कादिर खान, ये अमजद खान जो है ना, अल्लाह नसीब करे उनको, ये जयंत के जिक्रिया के बेटे थे। तो ये वो पेशावर से गया हुआ था, हमारे भानामाड़ी से गए हुए थे, और वहाँ पे ये पहले सुनने वाले साहब हमारे बताते थे, और दादा के वहाँ साइकिलों की दुकान पे जब वो छोटा था तो काम किया करता था, जयंत जिक्रिया उसका असल नाम है, जिक्रिया खान। तो ये अमजद खान जो उसका बेटा फिर जिसने शाम को वो किया था, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह जी। तो आप देखिए ना, गब्बर सिंह जब किया उसने तो कभी ऐसा रोल हुआ नहीं था, कैरेक्टर और ऐसा विलन किसी ने देखा नहीं था, तो इतनी जबरदस्त, यानी ये बस उस मिट्टी की या वहां कुछ दुआ है, कुछ औलिया कराम भी वहां पे हैं, शायद उनकी कुछ दुआ है, आई डोंट नो, इसमें माशाल्लाह उस तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना, वो जो मैं किसी ने किसी पठान से कहा कि यार आप कहते हैं पठान इतने जबरदस्त लोग होते हैं, तो आप में तो कोई पैगंबर आया नहीं, तो कहता क्यों नहीं आया, ये मूसा खान ईसा खान कौन था सही है सारे भी खान बना दिया, उन्होंने कहा ये ईसा खान मूसा खान कौन था, ये तो बता नहीं था नहीं सो मच सो, यानी कि ना कल्चर का इतना इफेक्ट है। आपको याद होगा कि जब ऋषि कपूर की शादी हुई है तो ये जितने भी कपूर हैं इन्होंने वो जो पठान हुई पगड़ी है वो पहन कर गए, पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, इवन ऋषि कपूर ने भी वो, और शम्मी कपूर और ये शशि कपूर, ये सब वही जो कोहाट के इलाके में पहने जाते जी। ये हमारे पेशावर शहर में किसाखानी बाजार है ना जी, जी किसाखानी बाजार मशहूर है, उसके साथ ही एक ढकी नाल बंदी कहते हैं, ये चढ़ाई सी है, उस पे चढ़ाई चढ़ते हैं, वो ढकी नाल, वो बिल्कुल किसाखानी बाजार के अंदर से ही वो दूसरा एक इलाका है,
बिल्कुल उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, किसा खानी के साथ ही, तो उसको ढकी नालबंदी कहते हैं, ढकी नालबंदी इनको में कहते हैं। तो ये हिंदको स्पीकिंग का इलाका है सारा, ये किसा खानी और ये जिसको कहते हैं ना गुलाब खाना, और वहाँ डूमा गली है एक, वहीं पे उसके साथ ही दिलीप साहब जहाँ पैदा हुए हैं ना वो इलाका है, वो डूमा गली के साथ ही है, किसा खानी बाजार के साथ ही ना, और इधर ढकी नालबंदी। तो ये जो है ना ये हमसाए भी है, आसपास के इलाके हैं ये ढकी नालबंदी और ये जो दिलीप साहब वाला, तो मुमकिन है इनकी आबाव अजदाद भी आपस में इनकी दोस्तियां होती हों, वही किसा खानी बाजार ही है सारा। हम जरा किसा खानी बाजार से शहर से है, शहर में पैदाइश हुई लेकिन शहर के दूसरे कोने पे है, ये सेंट्रल जो वस्ती पेशावर शहर है उसका, और किसा खानी बाजार मशहूर है जिसमें बड़े बड़े बादशाहों के भी किस्से हैं। तो ये दिलीप साहब की वहाँ की पैदाइश है, और राज कपूर की, पृथ्वीराज कपूर भी सारी सारे खानदान की। इसी तरह ये जो जैन थे जिक्रिया खान, अमजद खान के वाले, ये जहाँ मैं मेरी पैदाइश है ये वहाँ की पैदाइश है जी हाँ। अच्छा। तो ये आप समझ लें कि अमजद खान मेरे मोहल्ले का था। अच्छा, तो अगर आप जज्द में खान साहब आपसे ये अगर मुखातिब कर लूं, तो आपने इतने किरदार किए माशाल्लाह, जैसा मैंने कहा कि मैं तो फॉलो कर रहा हूं आपको अनवर से, कि एक किरदार की मेथड एक्टिंग, या आप उसको किरदार को अपने ऊपर समा लेते हैं, जैसे कि कांच के पर में मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि जब आप यानी कि साजिद जो आपका किरदार है, आपका बेटा मरता है, तो उसके अंदर जो एक डिसेंट बिजनेसमैन होता है और वो फिर अपने बच्चे की मौत के बाद एक इंतकामी आदमी बन जाता है, ये ट्रांजिशन कैसे आप हैंडल करते हैं? देखिए वैसे बुरहान साहब, मैं आपस की बात है, अगर अक्ल फहम फिरासत और तालीम से हो तो शायद सारे पैगंबर फिर पढ़े लिखे ही होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द पैगंबर जितने भी अल्लाह ने और हुजूर सल्लम के आप देख लें कि उम्मीद है, तो हमें अदाकारी की कोई तरबियत तालीम बुनियादी तौर पर नहीं है, नहीं होती, हुई भी नहीं, ना दिलीप साहब को ना और जितने भी, ना हमें, चूंकि एक तो बड़ी हम रिजिड सोसाइटी पठानों की, तो डर डर के हम काम करते थे, तो वो जो साथ लफ्ज जो मैंने इस्तेमाल किया डूम कंजर का, फौरन कह देते थे, तो इसलिए हम छुप छुप के अदाकारी करते थे, छुप छुप के एक्टिंग की बात करते थे, बड़ों के सामने भी नहीं करते थे कि कहीं वो मार ना पड़ जाए, जिस तरह मतलब जैसे जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता हुई आका को, तो वो लोग छुप छुप के जब कुरान पढ़ा करते थे मैं उसे रिजेंबल ना तो नहीं कर रहा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है, कोई नई बात होती है और कोई क्रिएटिव बात होती है, पहले वो छुप के होती है, क्योंकि वो जो राइज जो तमद्दुन होता है, तहजीब होती है या सिविलाइजेशन होती है, उसके अगेंस्ट चूंकि होती है तो लोग छुप के वो करते हैं। तो हमारा भी चूंकि एक बड़ी रिजिड सोसाइटी पश्तूनों की, तो इसमें गाना और अदाकारी जो है यानी फाइन आर्ट्स जो है ये छुप छुप के करते हैं। इवन मेरे चचा मुशर्रफ खान, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बस एक ही चचा मेरे, तो उन्होंने पेंटिंग्स, इज अ ग्रेट पेंट, बहुत बहुत बड़े स्कल्पचर्स भी हैं, पेंटर भी हैं, तो हमारी फैमिली में बस हम दो ही आर्टिस्ट हैं, वो पेंटिंग की तरफ गए, मैं अदाकार की तरफ। तो वो भी जब शुरू में तस्वीरें बनाते थे तो हमारे दादा से छुप के बनाते थे, कि वो कहता था हमारा दादा से भूतान जोड़े थे, यानी ये क्या बुत बना रहे हो तुम, तो इसीलिए वो भी बेचारे छुप छुप के। तो इसी तरह मैंने भी छुप छुप के अदाकारी शुरू की, एक्टिंग शुरू की। ये अच्छा है कि मेरे वालदैन मेरे साथ थे, लेकिन मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, और मेरी खाला ने तो मेरी वालदा से कह भी दिया था कि ये तुम्हारा जो बेटा है ये एक्टिंग वैक्टिंग फिल्में में बड़ी देखता है, तो हमारे घर इसको मत छोड़ा करो, हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। तो मेरा यानी मुझे बैन भी कर दिया था काफ़ी फैमिली में
कि अब इसको हमारे घर ना आने दिया करें। तो हमने तो बड़ी बड़ी मुखालफतें, बड़ी बड़ी नफ़रतें भी सही, फिर अल्लाह ताला ने नाम दिया। अब आपको क्या क्या बताया कि हम पे क्या क्या गुजरी। यानी एक जो जो पत्थर से जो हीरा बनता है, तो उस पत्थर पे क्या क्या गुजरती है। यानी हीरे को देख के कोई नहीं कहता कि पता नहीं किस अजियत से गुजर के हीरा बना है। तो अल्लाह ने बस ये प्रोसेस है इसका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां से मैं एज ये एक्नॉलेज यहाँ पर मैं ये विटनेस भी करता हूँ, मन चले का सौदा जिसने मुझे तसव्वुफ की तरफ से लगाया। वैसे तो मैं अशफाक अहमद साहब और मैं पीर भाई भी हूँ, मोहम्मद असर साहब हमारे पीर थे, मगर जो तसव्वुफ की तरफ लेकर मुझे आए वो तीन बंदे हैं। एक तो लब्बा खाकरोब है, दूसरा मोहम्मद हसन साहब जो कि पोस्टमैन है, और तीसरा वो मोची है, और चौथा वो गडरिया है। अच्छा, अब इन चीजों में अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें और गुस्ताखी ना हो, ये चार कैरेक्टर जो हैं, और इसको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, मैंने बारह सैकड़ों मरतबा यानी कि इनको देखा, फिरदौस जमाल साहब को, कि हर कैरेक्टर अलहदा है। जो लब्बा खाकरोब है वो बड़ा ऐसे करके चलता है, यानी कि बड़ा धीमा। जो मोची है वो यानी कि साइंस पे बात करता है, फिजिक्स पे, मेटाफिजिक्स पे, क्वांटम थ्योरी पे बात करता है, तो वो बड़ा लाइवली है। मोहम्मद हुसैन साहब जो है वो एक उस्ताद की शक्ल, जैसे कि एक टीचर होता है। मगर जो वो गडरिया है, कल रात भी मैं आपसे बात कर रहा था जी, कि वो ऐसे खड़ा होता है, यानी कि ना मैं अकड़ के तो नहीं कहूंगा, मगर उसकी स्पाइन, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी अगर वो यहाँ पे, कि स्पाइन उसकी ऐसे होती है, अगर वो जमीन पे छड़ी भी मारता है तो बड़ा यानी कि वो करते। ये चार कैरेक्टर, इससे ज्यादा कैरेक्टर हैं वैसे तो उस प्रोग्राम में आपके मन चले के सौदे में, तो इसको कैसे बैलेंस किया आपने कि हर किरदार को, कि अगर गडरिया है तो मैं वो गडरिये से इतना मुतासिर हूं कि आई वॉन्ट टू बिकम हिम द शेपर्ड, और उधर वो जो स्वीपर है उसको देखा तो वो इतना धीमा है। तो ये ट्रांजिशन फिरदौस भाई, मे बी प्लीज फॉरगिव मी कि मैं इतना बड़ा सवाल इतने बड़े आदमी से कर रहा हूं, मेरी इसको थोड़ी कर लीजिएगा, तो आप इसको थोड़ा सा बताइए। और फिर सूफीज्म पे, वो जमाना है जब मैं लाहौर में पढ़ता था, तो फिर मैंने सूफीज्म पे किताबें लेनी शुरू की और उसको पढ़ना शुरू किया और उस तरफ रुझान आया। तो आप पे क्या असर हुआ और इन कैरेक्टर के बारे में बताइए, स्टेज इज योर्स। देखें, मुझे वैसे तो इस तसव्वुफ का कोई पता अभी भी नहीं है, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं था। तो जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला तो मुझे अशफाक साहब ने फरमाया कि लजनसी करे कि काका ए एक भी है तो ए चार भी ने। मैं बड़ा परेशान हुआ कि जी एक भी, और जब मैंने पढ़ा तो मैं और मैं कांपना शुरू हो गया कि ये क्या है, मैं कैसे करूँगा। तो मैं फिर उस जमाने में बैत हुआ था, वैसे तो मैं 78-79 में बैत हुआ था, तो ये फिर 90 में या 91 में शायद हुआ था मन चले का सौदा। तो हमारे हजरत साहब, हजरत पीर गुलाम रसूल शाह खाकी अलैहि रहमा, उस वक्त बकायदे हयात थे। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है, बस इतना मुझे पता चला कि ये कोई अल्लाह वाले हैं, दुर्वेश हैं चारों के चारों, और ये कोई इसमें कुछ, ये जब शाह साहब ने कहा एक भी है तो चार भी है, मैं ये तो मेरी तो समझ में नहीं आता। चूंकि इसको अगर हम टेक्निकली करेंगे तो टेक्निकली वो फिर मिमिक्री हो जाएगी। मसलन हम एक किरदार को दूसरे से अलहदा करने के लिए मिमिक्री का सहारा लेते हैं, मुंह को यूं कर लेंगे या कोई आंखें या कुछ अंधे हो जाएंगे, टीले हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, लेकिन वो आ जाती है सारी मिमिक्री में। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो गॉड मैन है, ये तो कोई अल्लाह वाले लोग हैं, तो अगर मैं इसको चारों को मिमिक से या मिमिक्री से एक दूसरे से अलग करूं तो इसकी जो डिवाइनिटी है
या इसका जो तकद्दुस है इन किरदारों का, या इनमें जो अलूहियत है तो या डिवैनिटी है, वो हर्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसमें वो असर नहीं रहेगा, ये नकाली बन जाएगी, मिमिक्री बन जाएगी। तो मैंने कहा इसको मैं कैसे कर, खैर फिर मेरे पास उन दिनों एक सुजुकी आल्टो होती थी, पता आल्टो तो बाद में आई, सुजुकी एक थी मेरे पास गाड़ी, बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक ही पहली गाड़ी मैंने वही खरीदी थी, तो नीले रंग की सुजुकी थी ये, मैं आपको 1991 की बात कर, तो वो बस हजर साहब बकायदे, तो मैंने कहा मैं जनाब गाड़ी निकाली और चकवाल में चला गया। नौ ये हम सुहावे से जाते थे, उस जमाने में मोटरवे नहीं थी, अब तो मोटरवे बन गई है। तो खैर वो सुहावे से हम जनाब मैं चकवाल गया हजर साहब के पास, तो वो ज़ईफ़ थे उस वक्त भी, आपकी उम्र कुछ 100-110 साल थी सरकार की, तो मैं चला, मैं मुझे देखते ही ना यूं चश्मा लगाते थे, तो मुस्कुराए, क्या हुआ? फरमाया मैं सलाम की, आ जा आ जा। तो मैंने कहा जी बड़ा मसला हो गया है। फरमाया क्या हुआ? अच्छा मैं मुझे जो अल्लाह ने इज्जत भी दी ना, तो ये मैं 79 में के एंड में मैं बैत हुआ था हजरत साहब से, और 79 के आसपास ही, तो बैत होने के यानी उससे पहले आई वॉज नो बडी, खैर जानता तो अभी मैं कुछ नहीं, लेकिन ये बस अल्लाह की मेहरबानी हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ ऐसा, आपका आका का वसीला ऐसा अता किया अल्लाह ने, कि हज़रत साहब से बस मुलाकात हो गई। वो कहते ना जब वो अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो फिर उसके लिए वैसे वसाइल भी पैदा कर देता है, वैसे लोग उसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बस वो हज़रत साहब मुझे मिले, तो आपने दुआ मुझे फरमाया, मैं तो वो बैत हो गया था, लेकिन ये जब मुझे मन चले का सौदा, मैं कह जी, तो मैं चकवाल जब गया कि आपके आस्थाना मुबारक, तो मुझे देखते ही मुस्कुराए, जैसे उनको पता था, मुझे क्या हुआ? मैंने कहा जी वो अजीब ही मसला हो गया है। फरमाया क्या मसला हो गया बेटा? मैंने कहा जी ये देखें, ये मुझे चार किरदार अशफाक साहब ने हमारे हैं, खैर वो ड्रामे पता नहीं देखते थे नहीं देखते, वो दुर्वेश थे, किसी ने लोग बताते थे उनको कि वो जी आपका मुरीद जो है वो एक्टर है, वो टीवी पे आता है, तो मुझसे कहता अच्छा अच्छा बस आता रहे ठीक है, वो वैसे टीवी पे तो आता है लेकिन वो कोई और बंदा है। मैंने कहा लोग मुझे कहते थे वो हजर साहब ये क्यों कहते कोई और, मैं कहा पता नहीं, कि उनको पता होगा मुझे तो नहीं पता। खैर मैंने मुझे कहने लगा, फरमाया उन्होंने कि हाँ जी क्या हुआ? मैंने कहा जी वो अशफाक साहब ने ड्रामा लिखा है। अच्छा, मैंने कहा जी उसमें चार किरदार है और चारों मुझे लगता है कि ये आम लोग नहीं है, अल्लाह वाले हैं, सूफी हैं, क्या है मुझे नहीं पता, तो आप दुआ फरमाएं, तो मेरे से तो ये नहीं होंगे, ये कैसे होगा? तो खैर बड़ी शफकी हस्ती थी आपकी, आपने मेरा सर अपनी गोद मुबारक में रखा, मेरे बालों में अक्सर हाथ फेरते थे यूं करके गोद मुबारक में, ज़ईफ भी बहुत थे लेकिन अपने जानों मुबारक पर मेरा सर रख लेते, तो मुझे फरमाया कि बेटा तुम ही तो कर सकते हो, तुम नहीं करने। मैंने कहा जी, कहते हाँ बस तो घबराते क्यों हो भाई, जब अल्लाह ने मेहरबानी की है तो फिर करो फिर। मैंने कहा अच्छा जी, क्या अच्छा नहीं तो तुम डर क्यों रहे? अच्छा मैं बड़ा घबराया हुआ, डरो नहीं, तो दुआ अल्लाह से करेंगे, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। तो फिर उनका एक अंदाज था कि वो ये नहीं कहते थे जैसे वो ये बाजारी फकीर कहते हैं ना, ये सारा ड्रामा होता है, ये जो बनावटी बनते, जा बच्चा हो जाएगा, कर दिया फलाना हो गया, अरे तुम क्या कर सकते, तुम तो अपनी मर्जी से हाथ नहीं हिला सकते, तुम तो पाँव नहीं उठा सकते, तो सब मेरा रब करता है, करने वाला वही है, अल्लाह अला कुल्ल शैन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है मेरा अल्लाह। तो जो अल्लाह वाले होंगे ना सही सच्चे, आज आपको बुरहान साहब एक मैं रास की बात बताता हूँ, जो अल्लाह वाले होंगे वो कभी ये नहीं कहेंगे कि जा हो जाएगा, नहीं, वो कहेंगे अच्छा यार दुआ करते हैं, अल्लाह मेहरबानी फरमाए, तो मैं तो बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ, आप मेरे साथ दुआ करें, पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह को पसंद आ जाए। तो वो फिर उन्होंने ये वो मुरीदैन थे सबको फरमाया कि मेरे बच्चे के लिए सब मिल के दुआ करो, ये मुश्किल में है, अल्लाह इसकी मुश्किल आसान, आपने दुआ फरमाई और उसके बाद फिर पर्दे हटते चले गए, काम होता चला गया।
कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता। तो सर ये जो मैंने जैसे अर्ज की कि ये जो जितने भी चार किरदार हैं, यानी कि आपको आपने खुद ही उनको किया कि उसका जो बॉडी पॉस्चर है या उसकी आवाज है, चारों किरदार एक ड्रामे में करना और हर मुख्तलिफ हो, यानी है तो वो चारों ही अल्लाह के बंदे, चारों वो असल में उनकी केमिस्ट्री एक है। मैं आपको ये बताता हूँ ना कि अगर आप अंबिया की केमिस्ट्री देख लें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की कितनी जहते हैं, तो वो मतलब गडरिया भी, मतलब पहले बचपन में बकरियां आप चराते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी, फिर उसके बाद तिजारत भी आपने फरमाई, दौलत भी अपने देखी, सफ़र भी किए, फिर आप जो है वो गारे हिरा में जाके कई कई दिन जो है पानी और खट्टू लेकर वहां पे तशरीफ फरमा होते थे, फिर उसके बाद फिर नबूवत भी देखी, तो ये फिर उसके बाद आप सरकार को पत्थर भी मारे गए, आपको बुरा भला भी कहा गया, आपने हिजरत भी फरमाई, और क्या कुछ आप पे नहीं, वो फिर सिखाया भी, उस्ताद भी रहे, तो ये सारी डायमेंशंस जो है ना आपको औलिया कराम में भी नजर आएंगी। चूंकि जो तसव्वुफ का सिलसिला है ना, इसका ताल्लुक रूह से है, तो जो हम कहते हैं ना कि अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व रूह मुहम्मदन, आका सल्लम की रूह पे भी हम दुरूद भेजते हैं, रूह मुबारक जो है आपसे, तो वो मुझे ये लगता है कि सरकार फिर जिस पे मेहरबानी फरमाते हैं, अल्लाह का करम होता है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी होती है, तो वो सरकार फिर उस रूह का जो है ना वो कुछ कुछ हिस्सा जो है वो उम्मत तो उनको बहुत प्यारी है, उम्मत से तो बहुत प्यार करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बांट भी देते हैं। आपने कभी कुछ रखा भी नहीं पास, जो होता था वो खाने में भी आप खुद पेट पे पत्थर बांध लेते थे और बांट देते थे। एनीवे मतलब जैसे वो जो अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला में बैठे हुए थे, तो आप सरकार ने फरमाया क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि दो तीन दिन से खाना नहीं खाया वो भूख, तो आप सल्लम ने फरमाया मैंने भी नहीं खाया, तो अबू हुरैरा ये दो खजूरें हैं मेरे पास, एक तुम ले लो एक मैं खा ली, तो आप उसमें से भी उन दो में से भी एक, तो खैर वो उनकी तो खैर हम तो उनका क्या, उनके तो हम पैरों की खाक के बराबर भी हों तो शायद ये हमारी खुशबख्ती हो, तो फिर वो अता हो जाता। अच्छा ये जो है ना ये अता होती है, ये सीखने से पढ़ने से नहीं होता कुछ भी, ये अता है, अल्लाह जिसको अता कर दे, अल्लाह जिसको बस दे दे, तो ये इसी तरह मैं कहता हूँ जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक, उनको अल्लाह ही अता करता है, क्योंकि सब अल्लाह के बंदे हैं ना, तो अल्लाह कोई मतलब चाहे कोई मुसलमान है कोई भी है, सब अल्लाह के बंदे हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला तो मतलब है कि हर चीज पर कादिर है ना, तो वो चाहे किसी का कोई मजहब हो कुछ भी हो, वो ठीक है कि हम मुसलमान हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके महबूब हैं, उनकी उम्मत है, हमसे तो एक प्यार उनका है, लेकिन बाकी भी तो उनकी मखलूक है, तो जिसको चाहे वो दे देते हैं, है ना जी, तो वो जिसको वो कहते हैं ना जिसको चाहे सरफराज करे ना, ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे, तो जिसको परवरदिगार देता है उससे कौन छीन सकता है, तो फिर उससे ना फिरका पूछा जाता है, ना उससे मजहब पूछा जाता है, ना उससे कोई स्कूल ऑफ थॉट पूछा जाता है, अता होती है, हमारे पास कुछ होता है तो हम हिसाब किताब करके देते हैं, अल्लाह ताला हिसाब किताब नहीं करता, वो भी हिसाब देता है, तो वो अता ऐसी होती है। अता में और कमाने में बड़ा फर्क है, कमाई एक खास लगे बंदे हिसाब किताब से होती, जैसे बंदा नौकरी करता है ना तो तनख्वाह आपकी लगी हुई है, बस उसी में आपने गुजारा करना है, तो वो तो आपकी लगी बंदी चीज है ना जी, जो आप अपनी मेहनत से अपने कम इल्म से जो कुछ भी करते हैं या अपने टैलेंट से करते हैं,
तो वो फिर लगी बंदी चीज होती है, जब अता होती है तो वो बेहिसाब होता है, उसका कोई हिसाब नहीं होता। तो सुभान अल्लाह, आपने ये मेरा मसला सारी जिंदगी का हल कर दिया कि सीखना तो ठीक है, चाहिए हमें पढ़ना है, मगर अता जब होगी वो तो बेहिसाब होगी, तो ये तो अता का मामला है। मैं आपको जी जी मैं आपको एक वाक्य सच्चा सुनाता हूँ अशफाक साहब वाला, आज अच्छा मुझे आपके तवसुत से याद आ गया। तो मैं जब उन मुख्तलिफ ये मन चले का सौदा वगैरह किया, तो एक दिन मैंने कहा जी आप मुझे हर बार अशफाक साहब, तुझे पंजाबी में बोलता था उनके साथ, इनको बल्कि मैं बोलता था वो पंजाबी बोलते थे, मैं तुम मनु क्यों इस तरह हर दफा उसी पालन दो मुसीबत दे पालन दो कोई ना कोई किरदार पालन। तो हंसे कहने लगा अच्छा यार वो तू कर सकते है तान ते वो। मैंने कहा जी आप मुझे मेरे वास्ते इतने मुश्किल किरदार तुसी क्यों लिखते हो, मैं ते अताई हाँ, मतलब मैनू ते मैं ते किधर सीखा भी नहीं गा, मैंने किधर उसी कोई पढ़ा भी नहीं गा, ते ना मैनू पढ़ना आंदा सी ना लिखना आंदा, मैंने अदाकारी सीखी है, ते तुसी मनु इस तरह इम्तिहान क्यों पा देंदे हो, हर दफा मनु कोई नवा किरदार तुसी लिख देंदे हो, मैं उस मेरे समस्या बन जांदा है, ते मैं ते अताई हाँ। यानी एक कारीगर होता है पढ़ा लिखा होता है, एक अताई होता है जिसने पढ़ा नहीं होता या सीखा नहीं होता लेकिन उसको वो काम आता है। तो मुझे फरमाने लगे अच्छा ओ फिरदौस तू अताई है, मैं कहा हाँ जी, मैं अपनी बात जी में मैंने कहा जी मैं तो ते अताई हाँ। कहते हो तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, मैं कह जी अताई तो हम कहते हैं ना जिससे कहते हैं उसको काम नहीं आता बेकार है अताई है कूड़ है, यानी कूड़ बंदे नफरत से। तो मैंने कहा यार ये तो मैं तो अताई तो बड़ा उसको कहते हो तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, कि मैं कह नहीं जी मैं तो बदकिस्मत है मैं अताई हाँ। वो कहते नहीं हो पागला तेनू अता वे अता तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हें अता है अता से तुम अताई हो, पढ़ने लिखने से तो इसी तरह जो अल्लाह वाले होते हैं ना वो पैगंबर कहाँ से पढ़ते हैं, वो अता होती है, इसी तरह औलिया जो है पढ़ते वढ़ते नहीं है अता होती जाती है, तो तुम्हें अता हो रही है तो बस शुक्र कर तू अता ही ठीक है। तो ये हमारे साथ तो वो अता से बताई अताई याद आ गया, तो फिर उस दिन से इस लफ्ज की मैंने कदर करनी शुरू की, पहले नफरत करता था फिर मुझे अताई से ये खास तौर पे जो गवैये लोग हैं वो फलाना फलाना अताई है फलानी अताई है ये जिसको हम दूसरे लोग अताई है जा कूड़ है अताई है अताई है। तो मैं समझता था यार ये बड़ा बुरा लफ्ज है, तो मैंने अशफाक साहब मैंने कहा जी मैं तो अताई है, तू अताई है तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, मैं कह जी वो किस तरह कहना वो तेनू अता वे। उस दिन से मुझे इस लफ्ज से मोहब्बत हो गई। बड़ा मजा आ रहा है फिरदौस भाई, अब जरा थोड़ा सा हम डायल को चेंज करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे एक दो दोस्त और मैं ये चाह रहा था कि हमने बड़ी बातें की और बड़ा यानी कि ना हट के को बात हो और आपने बड़ा साथ दिया। मैं अब हमारे एक यहाँ पर कैलगरी में हमारे दोस्त हैं, वो बाय प्रोफेशन तो यानी कि ना इसे जो ही इज अ इंजीनियर और वो जो सी पायलट होते हैं वो रहे, बोइंग कंपनी में उन्होंने काम किया, आजकल यहाँ पर कैलगरी में बिजनेस में वो है, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन और बड़ी मारूफ शख्सियत है हमारी कैलगरी की, गुल खान साहब। मैं उनको मधु करूंगा स्क्रीन पे कि वो आए और आपसे वो बातचीत हेलो हाय भी करें और एक दो पश्तों में सवाल करें क्योंकि पश्तों की जरा थोड़ा सा मजा आए, उसके बाद एक और हमारे दोस्त जी गुल साहब। सबसे पहले तो मैं बुरहान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे मौका दिया कि फिरदौस जमाल जैसे बड़े फनकार से मैं बात करूं, और आपकी इजाज़त से मैं फिरदौस भाई से जो है वो पश्तो में जो है बात करूंगा क्योंकि पश्तो हमारी मदर लैंग्वेज है और इसमें हमें बात करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। फिरदौस भाई जखपल द तरफ ना और द कैलगरी द पुख्तानो द तरफ ना वालेकुम सलाम जी गुल खान से डेरा डेरा मनना आओ जमाद अड़ख तासुता और ठोलो द कैलगरी और द कनेडे ठोल समरा पुख्ताने दी ठोल ता सलाम अलैकुम
हर करे सलाम। वायम समा दसड़ द दसड़ ना और अखबल रूह ना और डेर खुशहाल शुम चिता सुमूली दे दिल मौका डेरा डेरा मन ना सासु منګم ډیر خوشاله شو زما یو سوال دې تاسو نه اور بیا لوګو نه تاسو په دې شعر منم ز خبرې کول غواړم لگا تاسو یو شعر مې اوریدل هر سړی په دې دنیا کې ډیر خوښار دی حال په دې انګړ کې زما خوار دی نو دا مې یو څو میاشتې مخکې اوریدل او ډیر مې خوښ راغله نو یو به خو دغه منې لوګو مې تاسو خبرو کوي دې زما دې سوال نه رسو بل څه مې چې تاسو خبرې وکړلې چې په خیبر پښتونخوا کې اور بیا خصوصا په پیښور کې لگا چې ډیر غټ غټ فنکاران تاسو په شانته پیدا شوی دي اور د یوسف خان اور د کپور فیملی په شانته نور غټ غټ داسې فنکاران پیدا شوی دي نو زه چې کله ګورم لگا د پښتو ادب کې په شاعرۍ کې په جبه کې داسې لګی چې لگا مونږه لک شاته پاتې شوی یو لگا نو تاسو په دې باره کې څه خیال دی او تاسو د پښتو جبې او د کلچر جوندی پاتې کول لپاره تاسو څه دغه لکه ائیډیا دا یا څه کولای شئ تاسو ډیر مننه زه خو څه د زیات لټری سره نه ما خو زمونږ پښتنو کې دا بس سوې مت قسمتې دې زمونږ چې مونږ خپل فنکار زما خیال دی چې خپل وجلې دی دا زمونږ د پښتو چې کوم لټریچر دی کنه د دې دا تاریخ چې کوم دی حالانکه دا زرګونه کاله زړه ژبه ده بالکل آریاو ژبه ده درې څلور زره کاله زړه ژبه ده لیکن کته د دې لټریچر وګورې کنه نو درې څلور سوه کال نه اخوا موږ سره لټریچر نشته ادب نشته دی نو دا هغې دا وجه ده چې مونږ هغه پښتانه چې کوم یو کنه مونږ وی کنه چې ډېر هغه یو شاوینست وو یو او مطلب پزان ډیر مې نه یومګا نو مونږ مطلب دې چهارې او سړې ځان نه کم غنوې کنه تاسو کې زمړ خپل کار کو الکه اغا د اوچی خان و کنه د اوچی خان هغه چې کور کې به مطلب دې اوچا روټه خوړه او چې بهر به وته نو په بریت باندې تیل لګول کنه چې ما چې خوړلې بار مطلب نو دا د اوچی خان نه یومګا نو مونږه دا دې چې خپل نه چې کم پاس خلک سړې وي کنه مونږه چې کم لګ چت وي ک په علم کې وي ک په پیسې کې وي او ک په سټېټس کې وي په هاري اوسیس کې کنه نو یې نه منم مړزا ورخا نه من والله یې کوم منم قسم دې کې منم بس مونږ دا نه منم مونږ یو چې خانه وې شو نو بس دا مونږ کې دا نو ځکه زما خپل دا ما دا خپل یو ابزرویشن دی چې زمونږ دا زرګونو کاله مطلب دی زمونږ تهذیب دی لیکن زما خیال دی چې مونږ خپل جینیس په خپل وجه دی چې مونږ کم لوی سړی پیدا شوی دی کنه لوی ستر فنکار یا ستر فلسفر یا سکالر چې کم دی هغه مونږ په خپل وجه لې دی نو ځکه اوس هم ما دا کتلی چې مثلا خدای دې بخي حمزه بابا حمزه بابا زما خیال دی چې رحمان بابا نه پس چې کوم د ټول نستر او لوی شاعر چې کوم زمونږ پیدا شوی دی هغه حمزه بابا لیزو بخي از ما د نیکم ډیر دوستو لیکن زه تاسو چې ته روغ تاسو هغه ژوند دیو کنه هغه پسې و دي د خلکو دا سمندر خان دا نور دا شاعر زه نو خبر د چانو نه خلما لیکن دمر بد رد به ویلو هغه دمر دروي سړې وې دمر پوس سړې وې الکه د خیبرو د خیبر مته اوسې د کور خیبر کیو کنه وچې مراد شنوري چې کوم دی غمزه مالګه تر غوندو د ما د پلاټ ډیر دوه موږ سره زدای په غیک کې د حمزه بابا غیک مالی دلې دي نو دا غیک کې زه وړو کې لوشه مو د مراد کاکا چې کوم دی هغه ته موږ کاکا ویل تر بم ویل نو زونګه په دې دوه دروازو کې دکانو زما د نیک چې کوم دی هغه هوټل مو کنه دې دوه دروازو کې د دې خوراک کنه چا او د روټه موټه دا زم غټل د می کوم د سومات خان خو دې وبخي اځما د پلار دکان مو په شوبه کې دې تو دروازو کې نو مطلب دې موږ سره بچ خیبر نه راغې نو حمزه بابا با زماني کې سره راځو کې بنا سکره او بچې مې ټول ورځ بل ته ناشته او دلته دې سخي شاه مردان سره دې ډبګره نه چې پاس راشي کنه آسیا سکول سره سخي شاه مردان یو مزار دې نو هغه سره چې چړې غونځه جوګن شاه کې کنه نو التا به اوسې دو
पातिकेदो बालता और सतर्षा बाचा जान बाला मणे सर जब गरे सर सतर्षा बाचा जान चिकम दे दागे यो मजार में देखो मक्की अगर जोन दे उन्हों हमजा बाबा बाग सर डेर अमीना कवल और सर दागे डेर फैज वर्त मिलो छे आओ दा सतर्षा बाचा जान चिकम दे दा खाजा मुझे चिश्ती अजमेरी दागे दागे ता फैज हो नो अजमेर से तब मगी तो नो हमजा बाबा मर सर अक्सर हमजा बाबा बा मतलब चिश्तिया सिलसिले उस बरगो और डेर मतलब वाकई इस बरगो लेकिन जमुंदा पुख्ताने चिकन दी कहना दुई पे पूरी नशुए लेकिन पर रहमान पूरी नशुए वो ये कहना है द वो ये पकीरानो द खानानो सर सकार चरता अजीज खान और चरता मलंग अब्दुल रहमान नो आगे हिसाब दे जैसे हमजा बाबा सरम दाशी दिमाग सरम दाशी माता बम चाहे टोलो वेल मरा लड़े कौर के कई दम दे जब चिप लार अब माँ वाले पेखोर पेखो पेखोर ने पदी पेखो चे योरोजे जागो की स्टेबलिश हूँ पति बन रात लमा नो दो अलग कांड से तेरे बात आगे चीजे आगे ये अलग को तो माबल तो उच अलग कहाँ जाकर दे फिर तो जमाल रवान दे वही मरा लड़े शा मुकुरा वर्ता जान बते न उरक्षी नो दा आग और रज में खा दा पुख्ताने दम रही नहीं शवे निस्ती कि दुई मतलब दे जान सर मीना कही है और सम सम रही हो सड़े टैलेंटेड हुई है खस सड़े हुई या अगर सर अल्लाह पाई मान खास हो रहम या मेहरबानी करी दागी इज्जत न की मैं दा जमा इज्जत न की दा दा कौन नज़र का ब्याह माँ पे खबर पे खोजला वो खिला रहा नदा जमुना देरा मनना देरा मनना देरा जी बड़ी बड़ी नवाजिश। अब मेरे दूसरे मेहमान जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं और अगर मैं उनको नहीं लूंगा तो मैं बड़ी ज्यादती करूंगा। आबिद खान इज अ यंगर फेलो सर, ये भी हमारे ब्लॉगर हैं कैलगरी में, बड़े कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं। ही हैज अ वन क्वेश्चन, ब्रीफ क्वेश्चन एंड देन वी विल गो टू डॉक्टर आमिर जमाल एंड देन वी विल टॉक। तो आबिद भाई यू आर ऑनलाइन। बहुत शुक्रिया फिरदौस जमाल साहब, मेरा ताल्लुक भी आपके ही शहर से, मैं वहीं पैदा हुआ और बचपन भी वही गुजरा और जवानी भी, शादी भी उधर हुई, जॉब भी उधर, फिर मैं तो आपका बहुत शुक्रिया आप बुरहान भाई का, आपने इतना अपना तारुफ कराया लेकिन आपने खुद को एक क्रेडिट भी नहीं दिया। आपने अल्लाह की मेहरबानी, लोगों की दुआ, लेकिन आप खुद इतने टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, आपने एक कभी ये नहीं कहा कि मेरा टैलेंट भी ये सारे जो मेरी कामयाबी है उसमें भी ये एक फैक्टर है। तो नहीं आबिद, मैं आपको बताता हूँ। जी जी जी, मसला ये है कि जब हम कहते हैं कि हम अपने इरादे से अपनी एक उंगली भी नहीं चला सकते, जी जी सब बिल्कुल, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं, तो जब अल्लाह ही सब कुछ है तो फिर अपने यानी जो मैं है ना सेल्फ जो है तो जी जी चीज में ये वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका कि बात अब तक बनी होती है, तो ये बात जो बनती है ना ये रब ही करता है, बंदा एवं ही बस इधर उधर करता है। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जितने दुनिया में, चाहे वो मुसलमान है गैर मुस्लिम है जो भी है, कहीं ना कहीं, और वो अपने आप को कोई एथिस्ट भी कहता है कि मैं नऊज़ बिल्लाह खुदा को नहीं मानता, ये नहीं कहता, अपने आप एथीस्ट होते हैं या जो भी काफिर कह लें उनको कुछ भी कह लें, लेकिन मैं आबिद आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं अंदर से वो किसी ना किसी चीज को वो अल्लाह को मान रहे। जी जी बिल्कुल, वो अंदर से चाहे वो उसको कोई भी नाम दे दें, उसको गॉड कह दें, भगवान कह दें, उसको ईश्वर कह दें, उसको अल्लाह कह दें, उसको ब्रह्मा कह दें, कुछ भी कह दें, वो कोई नाम उसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, वो एक ही है ना वहदहुला शरीक, तो बिल्कुल उसके हुक्म के बगैर जब पता नहीं हिलता तो मैं और आप कौन होते हैं। बिल्कुल अच्छा फिरदौस भाई, आपसे एक और सवाल है मेरा, आप माशाल्लाह पेशावर से, अभी लोगों की बातें बता रहे थे कि पेशावर से, ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती का तो भी पेशावर से है, उनका नाम है रहमान बाबा, ठीक है जी, और मैं आपकी शायरी सुनता हूँ, मतलब आपकी अपनी जाती शायरी भी सुनता हूँ और रहमान बाबा की आप बहुत ज्यादा, आपने वो जो दूसरे शायर हैं हमजा बाबा हमजा खान उनकी भी शायरी की। अच्छा मैंने आपकी एक पश्तो की वीडियो शेयर की थी, वो 18,000 लोगों ने अभी तक देखी है, ठीक है, जिसमें आप बताते हैं कि मेरा ताल्लुक कहाँ से और रहमान बाबा के कुछ शेर।
आप मुझे उर्दू में मतलब बताएंगे जो लोग सुन रहे हैं कि रहमान बाबा कौन है और वो क्यों आप उनसे इतना इंस्पायर है? मतलब बहुत सारे शुरा हैं लेकिन आप जब भी पश्चिम बात करते हैं ना तो आप रहमान बाबा का एक शेर पढ़ते हैं, तो आप क्यों उनसे इतना इंस्पायर है उर्दू में बताएं ताकि लोगों को पता चले जो लोग पश्तो शायरी को नहीं जानते। मैं तो मैं क्या बल्कि पूरी दुनिया चाहे ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पश्तून जो हैं हमारे बड़े लोग मसलन जो हैं वो लेकिन भारत पढ़े लिखे लोग रहमान बाबा को या खुशहाल बाबा को या हमीद बाबा को सबको जानते भी हैं पढ़ते भी हैं हमजा बाबा को जी। तो लेकिन ये है कि अगर अलामा इकबाल रहमान बाबा को पढ़ता है तो हैरत होती है, बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब है कि अलामा इकबाल का शेर है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है जी जी, ये रहमान बाबा का शेर है। रहमान बाबा फरमाते हैं जुंदे जान पजमक खख का लका तुखम के लुई ग्वाड़े दखाउर पे मकाम शाह। क्या जबरदस्त शेर माशाल्लाह। तो यानी अलामा इकबाल ने ये शेर जो है मिटा दे अपनी हस्ती को रहमान बाबा और नीचे लिखा हुआ है, ये भी अलामा इकबाल का को मैं सलूट इसलिए करता हूँ कि उन्होंने जहां से भी कोई शेर लिया या कोई थॉट लिया है नीचे नाम लिखा है, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल ये रिवाज है चोर है चोरी करते हैं बताते नहीं कि किससे चोरी किया, भाई जहाज किया है उसका नाम तो लो तो फिर वो चोरी नहीं है फिर वो फैज हो जाता है, आपको फैज कहाँ से हुआ है लेकिन अगर आप नाम नहीं लेते फिर वो चोरी हो जाती है। जी तो जी बिल्कुल ये फर्क है। तो इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने चूंकि वो बड़े आदमी थे उन्होंने नीचे लिखा है खुशहाल खान खट्टक का अगर लिखा है जैसे तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर नहीं मेरा तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर जी जी तो ये जो है ये खुशहाल बाबा का शेर है जी जी इसी तरह रहमान बाबा का जो अंदेजान पजम का खक का लगा तुखम लुई गुआड़े खौर पर मकाम शाह मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि ताना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बिल्कुल ये सामने की बात है। कहने की बात ये कि अगर मैं मौलाना रूम से मुतासिर होता हूँ शेख साजी से रहता हूँ ठीक है बरतर हरी से होता हूँ गालिब से होता हूँ इकबाल से होता हूँ तो मेरा क्या हक नहीं कि मैं सबसे पहले रहमान बाबा से मुतासिर हूँ या खुशहाल बाबा से मेरे घर के तो हम जी अपने घर की तरफ देखें हम तो ये ना हमारा मसला यही है कि हमने अपना मुझे लगता है कि पठानों ने अपना जीनियस खुद मारे हुए हैं जी जी बिल्कुल नहीं कर सकते ना मुकाबले नु शिकोल है तो मुकाबले की बोल है मुड़ की बिल्कुल बिल्कुल ता खबर सरकारी चमू पुख्तान बल सड़े न बर्दाश्त को आ वाह सर सड़े जाना लुई सड़े नहीं बर्दाश्त को ले خوشحال داس دے لوس خبر حکومت اردو الفاظ استعمال پلان کے حمزہ بابا وہ سب خیر پلنا جاننا خ یا اوچت یا ستر سڑے نے شو برداشت کو دا زمون ٹریک افور کہ مون خپل لوی خلق قدر کوی مام پی اور پنی وا جما تیرے خو اوسم چزم کنا دیر ظلمات ذرا زما د پی خو واو ما غما لري کا سکی یم دا زمون د پختنو یاد پڑھ لري مکورا وتا جانبتی نو رکشی الکم یم مون د بل عزت کول خپل عزتی کرو مصیبت دے یو مطلب
خو ینګ جنریشن نه دی هغه ګورې نه دی هغه تاسو نه جلس نه دی هغه تاسو فخر کوي مونږ خوشحالي نه ینګ جنریشن خبر نه کوم زه د مشرانو خبره کوم ولی چې هغه سره اکسپوژر نو کنه دا ینګ جنریشن اکسپوژر دی او دا علم چې کوم دی دا علم علم دا تکل چې کوم دی دا شد دی سړي مازه کولاو کی بالکل نه پلن کی چې سينه دې پلن شي کنه بیا به ته د هر یو سړي قدر کی چې تا نه کوم ډیر کنه دا هغه به عزت کی بالکل چې عزت بچاته ورکی بیا به هغه د ستا عزت کوي نو مونږ دا دي چې مونږ خپل عزت پدې کې غنو چې بل به عزت کوي دا بالکل دا یو مسله ده ځکه چې کوم دې زمونږ دا په پښتنو کې د دشمنان ولیکي اصلی خبر ده زمونږ کوټلي کې زما تور واده نن سبا خیر هغه په اسلام آباد کې دغه بچیم نو الله یې هغه لري زما تور ده آمين نه د اکی کې واده شو کوټلا محسن خان کن الته زمونږ دې پر سره کوټلې یو زید دې لندایر باپ ته چیو کنه او بلاره کې کوټلې یو کله راځي نو الته زما تور واده و نو مونږ کوټلې نو ابلو ما اورې د کانچ کوټلې کې درې سالور کسان چې کوم خلکو ملک خپل کې دزي ډیر مې خپل نو یو کم ماته هغه د خپل هغه ماشومتوب هغه وخت را یاد شو چې موږ ته واړه واړه بو وې تور کر به تو کوټلې ته نو هغه بره چې جوړو دي الوا به را ته الله دې لري وسم ژوند دې امين امين یو تر به ژوند دې هغه دې هغه د کوټلې کې هغه ولې دا یو څه سره سره بچی مې یو امتیاز ټول به تاسو پیژنې ډیر لوی انالیست او ستاسو روح ته ملاو شوم په خبر کې ستاسو روح سره ما غف جاوید غولې دي جاوید جما ما دې ز ورکوټ یم او زما والي سه ما ته ولدا د فردوس جمال روح نو زه دونه دغه شوم چې یار د دونه غټ سړی روح ده کنه ز ډیر انسپایر شوم او سره بس ما ز ورکوټ 10 11 سال به ما نور یاد نه دي چې سوکو خو شتم زاسو په شان او ما ته والي سه ول دادا فردوس جمال روح ده نو ز ډیر زیاده غا ته بعد ته زمون کور ته راځو سب کار و سلسله کې راغلو او ز ډیر ته غا بیا مې ول چې را بسکټ او خو دې خو دغه کنه لګ ډیر هغه خوشاله دا خو ډیر د خوشاله خبره چې زمونږ دا نوې نسل چې کوم دی په پښتنو په یوه کې د مینا د خپل لوی خلکو د پاره ده او ته چې د ما خدا د ما دا په ژوند کې د کړي چې کوم علم والا خلک دي دوی خلک دي او سر مینا کې قدر کې کنه الله باغ خاتم درکی نو دا دا نقطې ما په دې نقطه باندې او زمونږ دا نوې نسل ځان کوي چې بالکل دې کې دا عزت نشته چې بل بي عزت عزت په دې کې دا چې چا عزت کې برهان مې اخر مې اخر مې ډېر مهرباني بابا ایک ایک بات کر کے بس میں بند جی 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 بالکل میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا کر رہے ہیں ٹائم بھی ہو گیا جی بس میں جا رہا ہوں پاکستان میں اگر 5 لوگ آپ پاکستانی ڈرامہ کے سلیکٹ کریں نا 5 لوگ تو اس میں ایک نام جو ہے نا وہ ایک فردوس جمال ہے اور ایک قوی خان ہے اور دونوں کا تعلق پشاور سے بڑی بات میں آخر میں کر رہا تھا تھینک یو ویری مچ انشاءاللہ بہت جلد ہم قوی خان صاحب کو بھی لے کر آئیں گے فردوس بھائی تھینک یو ویری مچ بڑا مزہ آ رہا ہے تیرے آخری مہمان جو کہ بڑے مزے کے آپ بھی بات انجوائے کریں گے ڈاکٹر عامر جمال صاحب ہی شیئرز دی لاسٹ نیم اور ایک سرپرائز بھی ہے ان کے پاس آپ کے لیے وہ بھی اسی محلے سے اور جگہ سے ہیں جہاں سے آپ وہ تھوڑا عمر میں شاید چھوٹے ہوں آپ سے وہ یہاں پہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کیلگری میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور وہ پختون عورتوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں تو اس معاملے میں ہم بات کریں گے ہمارے پاس صرف چند ایک منٹ باقی بچے ہیں تو میں ان کو اسکرین پر لاتا ہوں ڈاکٹر عامر جمال صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ سے بات چیت کریں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم آپ اردو اور پشتو جس میں دل چاہے انگریزی میں آپ سٹیج از یورز پھر انشاءاللہ تعالی تھینک یو جی جمال صاحب تھینک یو کہ آپ نے یہ موقع دیا جمال صاحب کے ساتھ بات کرنے کا میں تو بس دیکھ رہا تھا ابھی اور سوچ رہا تھا کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ شخص ایک انسٹیٹیوشن ہے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے
लेकिन आज के इंटरव्यू में जब मैं फिरदौस जमाल साहब को देख रहा हूँ तो मैं जब बार बार वो इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट जहन में क्लियर हो रहा है कि क्या कुछ नहीं मिला आज मुझे। मैं तो कह कह लगा रहा था बाहर, बच्चे बैठे थे कि क्या हो रहा है अंदर, और इलम सीख रहा था सूफीज्म के हवाले से और सारी बातें, और सबसे बढ़कर पेशावर के हवाले से। तो मैं बुरहान भाई की इजाजत से एक दो पुश्त में इनके साथ बात करना चाहूंगा। आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिए फिरदौस भाई को ताकि बात करने में आसानी हो, बाकी लैंग्वेज जो मर्जी बोले, पश्तो में समझ लेता हूँ, बोल नहीं सकता। अच्छा, मैं पश्तो में एक दो बातें करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, जमा ताल्लुक पेखावर सर दे हो जमा चकम निको द मोर नाना चकम दे नो आगे जी दगा क्यों बना माने क्यों सबक जमा क्लास फेलोम भी ماته سي پت سي په زين کې مرادي چې زما شاید کلاس فیلو یا مان جونیئر او یا مان سینیئر خو ما دا نوم چې کوم ده کنه عبد الله شاه واجی زما د دې شا قبول کول نه خو نو وي نه دي دا بنا مړ خاص نومان شاه زو نومان شاه او عنایت الله شاه خدا ټول پیران چې کوم دي کنه زوم بالا مړ کې ډیر زیات پیران دي کندرو مالکی او جی دا بالا مړ کندر کندر مالا ورته وي او خبر هغه نه پټه بول چو کنه بالا نه او سی هغه بالا مړ سکول هم ده کنه او جی چړې نه دان دي پای سکول کې ما سبق ویل شپګم پورې او سره مډل او شپګم پورې بیا اسلامي هاي سکول نه نمبر 3 کی ساخانه کې چکم ده بیا قوم کې زال تلاړم او بیا فرست ایئر کې زې اسلامي کالج ته بیا لاړم ہاں نو بچو والو میرا اتلو باغزه کې بنا مړ یا سکول نه بهر چې میدان وای کې بلا دا چولو والا او دا اسکرین والا کورخو والا بناسو کورخو والا ډیر کې نه سا کورخو انا مونږه او کې مله انا دعا نه به ملاوي دي سکول ته پاره مونږ نیم چټه کې چې نه کنه ریسس کې مونږه کورخه خوړې ورزره به چټه یو را ترا کو دعا نه یو نه کې دعا نه به بغیر ورسره کورخه را کې نو مونږه کورخه ماته داګه غا ټیسټ مسلم خلا کی اوپر آ گئی تب تو تب خبر کول نو ما دومر خوند را کول چې تاسو هغه ټول د پیښور رامداس او دا ټول آسیا گیټ او دا ټول مخ ترال ته مخ مخ خرص ریل خوند وکړو و زما هغه سوالونه بل نو زما دومر خپل خبرې وچ زما چې زما سوال نه تاسو بس خبرې کوي میرا مننه ستا مینه دا تم جمال او زم جمال میروشن جمال یار سے ہے انجمن تمام جی جمال یار سے ہے انجمن تمام دار میں دی حسن نو اگر تم جمال زم جمال طول محفل پہ رنا رنا دے روخانہ دے میرا مان جی زما بس یو سے تاسو سره په دې معنی سره غب شپ لګوم نو وړغون خبر زما جی پی ایچ ډی ریسرچ شله او دا غي نه پس بیا ما دې منې لیکلم کړی دي فیر کې هم کړی دي اردو کې براش مچ نور خلق په دې خبر منې تو میرا جو پی ایچ ڈی ریسرچ ہے اور اس کے بعد میں نے پھر فیلڈ ریسرچ کیا ہے وہ پختون خواتین کے حوالے سے ہے اور اس میں دو باتیں میں بس آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کی تھوڑا سا کامنٹ اس پہ میں لینا چاہوں گا جو میں نے ریسرچ کی ظاہر ہے مغرب میں تو ایسا دکھایا جاتا ہے کافی اور اس میں ہے بھی حقیقت بھی کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے جو مغرب میں دکھایا جاتا ہے پختون خاتون کو بہت کمزور اور بہت ہی کمزور اور مظلوم بے حد مظلوم دکھایا جاتا ہے اس میں کچھ حقیقت بھی ہے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی خواتین کے بارے میں ریسرچ ہوتی ہے یا کوئی بات ہوتی ہے اس میں خواتین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ظلم اور یہ زیادتی یا جو خواتین کو مارا جاتا ہے یا اسکول کے حوالے سے لڑکیوں کے اسکولوں کے حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں تو اس پر بھی بات ہوتی ہے کہ اس میں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اچھا جو میری فائنڈنگ ہے اس میں دو باتیں میں پھر آپ سے شیئر کروں پہلی بات تو یہ کہ پختون خواتین اتنی کمزور نہیں ہیں جتنا دنیا کو دکھایا جاتا ہے
उसमें पख्तून ख्वातीन मजबूत भी हैं, वो माँ की हैसियत भी है, बहन की हैसियत भी है, और काफ़ी हैसियतों में वो अपने मुआशरे में उसके डिसीजन मेकिंग में अपना हिस्सा अदा करती हैं। दूसरी बात जो उसकी है वो ये कि जब तक हमने ख्वातीन के इश्यूज में, ख्वातीन के मसाइल में मर्दों को शामिल न किया हो, मैंने उनको गेट कीपर का नाम दिया, मर्दों को शामिल ना किया हो और उनके साथ मिलकर इस हवाले से उनकी जो ह्यूमन राइट्स है या उनके एजुकेशन के हवाले से है वो न किया हो, तो हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये तो चीजें जहन में आई थी जो उस रिसर्च से सामने आई हैं, जिसमें मैं कहता हूं कि इंगेजिंग द गेट कीपर, मर्द गेट कीपर है, उसको आप एतमाद में लें, उसको अपने साथ में लाएं, तो फिर हम मिलकर ख्वातीन के इश्यूज पर बात करेंगे, तो तब बात आगे इस तरह बढ़ेगी। सिर्फ मर्दों को इल्जाम ठहराने से बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये बिल्कुल सही है आमिर आपकी बात कि आप अपने मसाइल हल करने के लिए मर्द को इंगेज करें। असल में वो जो एक तो प्रॉब्लम, खैर हमारे माशरे में तो जरा पठानों में ज्यादा है कि हम ज्यादा मेल शोविनिस्टिक हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि मर्द का मुआशरा, तो मेल शोविनिज्म पश्तूनों में बहुत ज्यादा है। बल्कि अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में भी सिर्फ पश्तूनों में नहीं है, अगर आप इंडियन सोसाइटी में देख लें, क्या वो मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी नहीं, हमारे सारे एशियन जो भी है, इवन आज से 100-150 साल पहले क्या यूरोप मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी नहीं थी? बिल्कुल, वहां पे औरतों के कितने हुकूक थे, और अब कितने हुकूक हैं वो तो फिर बाद में पढ़ लिख के और जो सिविलाइज हो गए तो एजुकेशन ने और ह्यूमन राइट्स वगैरह का अब वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या अंदर से मर्द यूरोप का जो आदमी है या अमरीका का है, क्या वो औरत को बराबरी पे समझता है? नहीं, बिल्कुल कुदरती बात है। ये असल में है सारा, एक हमारी जो केमिस्ट्री है ना, मर्द की और औरत की केमिस्ट्री, उसका एक प्रॉब्लम है ये। और क्योंकि तखलीक जो है, जिस तरह मर्द जो है अल्लाह की तखलीक है, इस तरह औरत मर्द की तखलीक है। यानी कहते हैं जी पसली से पैदा हुई, तो पसली तो कम कोई भी नहीं है, है ना? तो इसको मतलब पसली कम तो नहीं है, पसली एक्चुअली मेरा ख्याल में तो सिंबल है, जिस तरह प्रोफेसर रफीक अख्तर कहते हैं कि ये जो है, जो उनका कॉन्सेप्ट है पसली का, कि मतलब है कि वो कहते हैं कि आदम जो है वो सेल्फ फर्टिलाइज हो गया था, मतलब हवा कैसे पैदा हुई, तो कहते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइज हो गया था या प्रेग्नेंट हो गया था आदम। अब उसके पास डिलीवरी सिस्टम नहीं था, डिलीवरी सिस्टम ना होने की वजह से उसने कहीं यहां से साइड से कहीं निकाली स्पेस, गालिबन लेफ्ट साइड से, क्योंकि राइट पे जो है ना बहुत सारी चीजें हैं, लिवर भी है, हार्ट भी है, बहुत सारा कुछ है, मैदा भी है, लिवर भी है, हार्ट भी है, तो यहां से तो मुमकिन नहीं था, तो ये यहां स्पेस बनती है पसलियों के नीचे से, यहां से उसको डिलीवर किया था। मतलब है तो अल्लाह के ही काम ना, लेकिन हवा की पैदाइश ऐसी है, तो इसीलिए जिस तरह हम अल्लाह को अपने से बरतर, बहुत बरतर, वो तो खालिक मालिक है ना, समझते हैं, किस तरह औरत मर्द को नहीं समझती, लेकिन मर्द अपने आप को समझता है कि क्योंकि मैंने इसको डिलीवर किया है, ये मेरी तखलीक है, तो ये एक केमिस्ट्री का मसला है, मुझे तो ये लगता है। तो इसको आप चाहे जितना भी वो इक्वल करें ना, ये इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें नेचर इन्वॉल्व है, इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, अब हम क्या करें इसको? लेकिन अभी आप देखते नहीं है कि अभी हमारे मुआशरों में वक्त के साथ साथ औरत का किरदार बहुत आगे बढ़ रहा है, और सियासी उससे लेकर एजुकेशन तक और हर शोबे में, सबसे पहले इस्लाम ने दिया है। हाँ। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इक्वल राइट्स हैं औरत के, वुमेन के, वो तो इस्लाम ने दिए हैं, इससे पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। औरत को जिस तरह से समझा जाता था मुख्तलिफ माशरों में, खैर उसमें तो बहुत जहालत है, लेकिन अब तो वैसे पश्तून हमारी जितनी खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह
जितनी पढ़ी लिखी हैं और जितनी एजुकेशन और पश्तूनों में जितना शऊर आ गया है अपनी बच्चियों को बहनों को पढ़ाने का, और जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हमें मुझे खवातीन मिलती हैं पश्तून, वो शायद ही इतनी यानी पश्तून इल्म से अब इतनी, ये इल्म दोस्ती है असल में। जब आप अपनी बच्ची की बहन की माँ की बीवी की जब आप इज्जत शुरू कर देते हैं ना, तो एक्चुअली ये इसका तकाजा इल्म है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि वो अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, वो अगर हदीस आप देख लें उठा के, तो हुजूर इल्म का शहर है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर पूरा बिहेवियर रवैया देख लें उम्महातुल मोमिनीन के साथ या अपनी वालदा के बारे में या दूसरी खवातीन के बारे में, हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से उनको बिहेव करते थे, मैं समझता हूँ हिस्ट्री में कोई ऐसा, ही इज द फर्स्ट पर्सन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने खवातीन को जो राइट्स दिए वो इस्लाम से ज्यादा तो किसी ने दिए ही नहीं। आज भी जो ये यूरोप में जब जो अपने आप को तरक्की याफ्ता दुनिया कहती है, वो अभी भी उस लेवल तक नहीं आए जिस लेवल पे इस्लाम देखता है खवातीन को, वो अभी तक नहीं। मैं डॉक्टर साहब और फिरदौस भाई आपसे एक चीज अपनी शेयर करना चाहता हूँ। आई एम यूसुफ जई पठान। तो अमूमन ये देखने में आया जब मैं अपने दूसरे दोस्तों से या किसी से बात करते हैं कि यार जो ये ना वो मकाम नहीं देते पठान खवातीन को जो कि होना चाहिए। तो मुझे याद है जब मैं बचपन में था और मेरी बहन की शादी हुई, वो भी फैमिली में हुई, तो मैंने ये देखा कि जब वो पिता होने लगी तो जो बारात में आए थे हमारे रिश्तेदार वो भी पठान थे, तो उन सब ने क्योंकि चादर हम लोग सादा पहनते हैं तो उन्होंने सब ने अपनी चादरें उसके ऊपर डालनी शुरू कर दी जो भी बुजुर्ग थे। तो मैं उस वक्त तो नहीं पता चला, मैं 3-4 साल उम्र थी, मगर मुझे वो नक्श हो गया। तो मैंने जब पूछा अपने वालिद से अल्लाह बख्शे, मैंने कहा ये क्या, फिर बाद में जब शादियां होती रही तो जब भी विदाइगी के लिए लड़की आती थी तो वो जो बुजुर्ग थे वो अपनी चादरें उसके ऊपर डाल देते थे। तो मैंने कहा ये क्या क्या कस्टम है, कहने के इसका मतलब ये कि ये अब हमारी इज्जत है, ये हमारा ऑनर है। तो डॉक्टर साहब आप उसके बारे में और फिरदौस भाई क्या फरमाएं। मैं तो यही कहता हूँ कि मसलन मेरी बहनें बचपन से मैं उनको उनकी उनसे प्यार भी करता हूँ, उनकी इज्जत, मेरी माँ उसी तरह, मेरे कुफियाँ हैं खालाएं हैं जितनी हमारी ख़वातीन हैं, तो इसी तरह मेरी बीवी है या मेरी बच्चियाँ हैं। मैं मेरा ख्याल है मैं अपनी अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बच्चियों से प्यार करता हूँ देखा जाए तो। इसी तरह जितने भी हम हैं वी आर ह्यूमन, और एक ये कुदरती बात है। तो पठान भी सिर्फ एक जो मैं कहता हूँ ना कि मेल शोविनिज्म पश्तूनों में बहुत ज़्यादा, तो वो एक चूँकि इज्जत समझते हैं। देखें अब ये इसमें भी एक नुक्ता है कि औरत को खातून को क्योंकि पश्तून अपनी इज्जत समझता है इसलिए उसकी ज्यादा हिफाजत करता है, इसलिए उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, तो इसलिए वो उस पर पाबंदियां भी लगाता है। तो मेरी जिस तरह दौलत होती है ना लोग छुपा के रखते हैं, इसी तरह औरत जो है माँ बहन बेटी बीवी ये दौलत है, ये कीमती चीज है, तो इसको लोगों से छुपा के रखते हैं। इसको अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो वो इज्जत समझते हैं और अपनी दौलत उसको समझते हैं, और ये कि उस पर किसी की बुरी नजर भी ना पड़े मेरी औरत पर या मेरी बेटी बेटी पर या बीवी पर। तो इसलिए ये अगर देखा जाए दिस इज वेरी ह्यूमन। इसमें डॉक्टर साहब आपका आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, आखिरी सवाल फिर हम इसको रैप अप फिर मैं इसी पे जरा कमेंट करता हूँ। फिरदौस साहब ने बहुत अहम पहलू लेके आया ना कि खवातीन को किस एक दौलत की हैसियत से समझते हैं। बस इसमें यही बात है कि पश्तून उसको इज्जत देते हैं और समझते हैं, लेकिन उसकी एक खास आइडेंटिटी के मुताबिक अगर वो हो तो फिर ठीक है, अगर उस दायरे से बाहर निकले तो फिर वो मकाम नहीं होता जो जो उसको खातून को देना चाहिए। इसमें खातून पे भी डिपेंड करता है ना कि वो अपनी इज्जत किस तरह कराती है। जी जी बिल्कुल, ये भी है ना, वो जो पुख्तूनवली के जो कोड्स हैं जो थोड़े बहुत जो हमारे जो पश्तूनों के ख्याल रखना चाहिए ना, औरत को उसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, उसके अगर वो रखेगी तो फिर वो इज्जत है, वो इज्जत। हाँ, ये जो बात पश्तून को बेइज्जत कर या पुख्तों को
बेइज्जत करके अपनी इज्जत कैसे करवा सकते हैं। सही, इसीलिए पहले इज्जत देने के लिए पहले इज्जत करनी पड़ेगी, ये हर जगह ये फार्मूला होना चाहिए कि इज्जत चाहिए। आपने इस्लाम की बात की बड़ी खूबसूरती से आपने बताया कि, और मैंने भी ये मालूम किया और देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम ने ख्वातीन को बहुत आला मकाम दिया है और जो साया को, लेकिन मैंने मालूम किया कि पख्तून जो है वो जब उसके अपने, यानी जो आपने बताया पख्तून मर्द का जो पैट्रियार्की की बात आपने की, कि जब इस्लाम उसकी उसका जो कोड है पख्तूनवली का या जो पश्तूनों का पैट्रियार्की का सिस्टम है उसके मुताबिक चले, ख्वातीन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, फिर तो ठीक है, वो सारे मानते हैं। लेकिन अगर इस्लाम के की वो बातें जो ख्वातीन को हुकूक देने वाली होती हैं उसमें फिर पख्तून का कल्चर हावी हो जाता है और इस्लाम पीछे रह जाता है, यानी फॉर एग्जांपल मीरास का मसला। असल में नहीं, वो पख्तून कल्चर का मसला नहीं है, अना का मसला है। वो जो मेन शोविनिज्म है ना बहुत ज्यादा पश्तूनों में, उसको हम कहते हैं ना पख्तून वली या पख्तून खा या पख्तून, मतलब है वो खाम खाम उसमें शामिल कर लेते हैं। ये तमाम इंसानों में ये चीज़ कॉमन है, सब इंसान जो है ना, आज भी अगर वेस्ट कितना भी एडवांस हो जाए लेकिन औरत के मामले में वो उतना ही प्रोग्रेसिव है जितना मैं और आप हैं। तो ये एक कुदरती बात है, दिस इज नेचर। तो इसलिए अगर ये इल्जाम आप पश्तूनों पे लगाते हैं कि जी वो ख्वातीन के लिए बहुत ज़्यादा रिजिड हैं या बहुत ज़्यादा मतलब तंग नज़र हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन ये है कि औरतों को भी अपनी इज्जत करवानी चाहिए ना, ये म्यूचुअल होता है। अगर वो ये समझे कि मैं जनाब, देखें अगर एक बड़ा भाई है तो आप उसको बड़ा समझेंगे ना तो तब वो आपसे मोहब्बत करेगा, लेकिन आप उसको अगर बड़ा ही नहीं समझते तो वो आपसे कैसे मोहब्बत करेगी। उसी तरह ख्वातीन का भी मसला है, अगर वो अपने शौहर को और मतलब वो इज्जत दे जो वो डिजर्व करता है शौहर की हैसियत से, तो फिर वो भी उसकी इज्जत करेगा। ये मसला, ये म्यूचुअल है। सही है। बुरहान साहब आप म्यूट हैं, आप अपना ऑन करें, माइक ऑन करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें की, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम बात करते रहेंगे, आपकी बहुत मेहरबानी। फिरदौस भाई, वी आर एट द फाइनल मिनट ऑफ अपने प्रोग्राम में, आप इस कोविड के जमाने में हमने ये प्रोग्राम करना शुरू किया ऑनलाइन, और मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा हमारे ऑडियंस आ जाए और सबसे लंबा प्रोग्राम आज हुआ, तो मैं उसके लिए आपको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र से तंदुरुस्ती दे। जाते जाते इस कोविड के जमाने में हमने कैलगरी में एक मुहिम चलाई है कि आई एम अ कोविड गार्डियन, तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं, जो जिन्होंने आपको ढूंढा वसीम अब्बासा, वो आपको उसका मास्क भी देंगे, कैप भी देंगे कि जिसमें लिखा हुआ होगा कि आई एम अ कोविड गार्डियन। तो इससे पहले कि आप हम इख्तिताम करें, मैं उन तमाम टीम मेंबरान के शुक्रगुजार हूं जो हमारे साथ ये शामिल हुए और इन्होंने किया, जिसमें सदात चौधरी साहब हैं, जमाल रजा साहब हैं, वसीम अब्बास साहब हैं, यासर हक्टी हैं, एंड डॉक्टर आमिर जमाल हैं, आबिद खान हैं, गुल खान साहब हैं, तो इन लोगों ने किया। फिरदौस भाई, जाते जाते इस मुश्किल वक्त में आप हम सब लोगों को, दयारे गैर में बैठे लोगों को क्या तसल्ली बख्श पैगाम देंगे, और आज हमने बहुत कुछ सीखा। देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बुरहान, वसीम का, तमाम दोस्तों का, आपके जितने साथी हैं जो आपके साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में, सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे आपने मौका दिया इतने प्यारे प्यारे लोगों से बात करने का, आप जैसे प्यारे शख्स से, बुरहान साहब आप बहुत प्यारे बनते हैं, बहुत प्यार आपकी आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे जो तासुरात हैं वो बड़े, और जिस तरह आपके जितने भी पार्टिसिपेंट आए सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, सब ने बड़ी मोहब्बत का और बड़ी इज्जत का सबूत दिया, बड़ा मुजाहरा किया उन्होंने, बड़ी मुझे खुशी हुई। मेरे अपने सारे पठान भाई भी तो अब हैं, तो सारे पाकिस्तानी, हम असल में ये जो पठान पंजाबी सिंधी वगैरह का चक्कर चला लेते हैं,
ये नहीं होना चाहिए, हम सारे पाकिस्तानी हैं। सबसे पहली बात तो ये, मैं ये कहता हूं कि जिस तरह पश्तून है वो अफगानिस्तान में भी है, वो रशिया में भी है, वो और ईरान में भी है, हर जगह पे। इसी तरह हर कौम जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में बटी हुई फैली हुई है। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी शनाख्त क्या है, आपकी शनाख्त आपका मुल्क है, आपका पाकिस्तान है, इस शनाख्त को बरकरार रखें। बाकी हमारी जो दूसरी शनाख्तें हैं वो भी अपनी जगह है, चूंकि हमारा तो अपना आईडी कार्ड वगैरह अलग अलग है ना, तो जिस तरह हमारे आईडी कार्ड अलग हैं, नाम उस पर अलग है, इसी तरह हमारी कौमें भी हमारी जबानें भी अलग तो हैं, लेकिन अब हम कहलाते हैं पाकिस्तानी कौम। वी आर पाकिस्तान एंड आई एम प्राउड, इस पर फख्र होना चाहिए। अपने मुल्क से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें, और सबसे बढ़कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने पैगंबर उनसे आप प्यार करें, अपने दीन से, और इस दीन को लोगों को समझाएं भी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ नमाजें पढ़नी, बल्कि सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी जो है, सबसे पहले जितनी ह्यूमैनिटी इस इस्लाम में है, और जो आप अगर इसको पढ़ें, लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए वो इस बारे में बात करते हैं कि जी मुसलमान बहुत रिजिड है, फलाना है, पठान बहुत रिजिड है, फलाना रिजिड है। ये नहीं है, रिजिड कोई भी नहीं होता, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में एक तो दूसरे की बात सुने, और दूसरे वो जिस तरह हदीस है ना कि दे दो किसी को अगर कुछ दे सकते हो, तुम्हारे पास खजूर का एक दाना है वो दे दो, वो भी नहीं दे सकते, वो भी नहीं दे सकते तो किसी से कोई अच्छी बात ही कह दो। तो अगर हम अच्छी बातें ही शेयर करना शुरू कर दें तो शायद बहुत सारी मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाएं। बाकी यह है कि मैं समझता हूं कि हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, और हम अच्छी कौम हैं। दूसरा, जो हमारे दुश्मन हैं, अल्लाह उनको भी ये तौफीक दे कि वो भी इस मुल्क को, इस कौम को समझने की कोशिश करें, दुश्मनी छोड़ दें, दोस्तियां करें। जंगों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जब जंग होगी तो फिर बहुत तबाहकुन होगी, और फिर हम चाहे थोड़े सही लेकिन हम हर दौर में भारी पड़े हैं। वो जंगे बदर से लेके 1965 तक हम भारी पड़ेंगे। 71 में हमारे अपनों ने हमारे साथ धोखा किया, वरना तो हम उधर भी भारी पड़ते, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इसके बेहतर ये है कि हमारे साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करो, ये जंगो जदल नफरत छोड़ो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, तो जो ज़मीन के सफ़र में वाहिद चीज़, वाहिद आसमानी चीज़ मोहब्बत है, तो मोहब्बत जो है वो इंसान लेकर आया। बाकी तो वो सारी खाना पीना वो तो जानवर भी करते हैं, इंसान क्या करता है, एक दूसरे से मोहब्बत करता है। वो कहते हैं तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। फराज हमारे उस्ताद, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मैंने उनसे उर्दू पढ़ी इस्लामिया कॉलेज में, हमारे उस्ताद भी रहे हैं, अल्लाह उन्हें गरी का रहमत करे। तो इसी पे हम ख़त्म करेंगे कि हम ना खुदा हैं, ना कोई बड़े लोग हैं, ना कोई पैगम्बर है, पैगम्बरी तो ख़त्म हो गई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हम सब इंसान हैं, इंसान बनकर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, मोहब्बत का पैगाम दें, दुश्मनियाँ छोड़ें, नफरत छोड़ दें। शुक्रिया नवाजिश, सलाम, खुदा हाफिज, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता करे, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।